हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हम सो के आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अरविंद पाल लुक्स में। प्रीति किचन में है और खाना बनाने की तैयारी है। हम लोग तो सुबह ना पराठे खा के लेट गए थे, बस नींद आई बढ़िया। थोड़ी देर तो पढ़े, बच्चे भी पढ़े, प्रीति पढ़ी, मैं और पढ़ने से नींद भी जल्दी आ गए। मच्छरों की वजह कम नींद आई थी तो सुबह पराठे खाए, आलस से आ गया, काम करके खाने की तैयारी है अभी। और बादल आ गया तगड़ा। खाने में क्या बना रहे? आलू जो वाले थे ना सुबह पराठे बनाने के लिए, उसमें से दो आलू बचा लिए थे, तो उबले हुए आलू की सब्जी बना रहे हैं, आलू टमाटर। तो यहाँ किचन में बन रहा है खाना और बाहर का मौसम आपको दिखा दूँ। कल से ना दो बार बारिश हो चुकी है, देखो दोपहर का एक बजा है और मौसम बादल बिल्कुल काले छाए हुए हैं, धूप नहीं है बिल्कुल भी। सुबह एक बार बहुत कड़क धूप निकली थी जब हमारे पराठे बन रहे थे, लेकिन उसके बाद जब हम दोपहर में उठे तो बारिश का मौसम है, बादल तगड़ा आ गया। देखो बारिश तो शुरू ही हो रही, बल्कि कोई टाइम नहीं बता सकता कि क्या टाइम हो रहा मौसम को देख के, कोई ये नहीं कह सकता। दोपहर तक एक बजे और हवा के साथ बारिश है आज। फिर तो खैर दो पेपर तो बढ़िया ठंडे मौसम में हो गए थे, एक बारिश हुई, दो दिन तक ठंड रही और फिर से बारिश शुरू हो गई। तो बारिश ना इतनी तेज़ हो रही, इधर पश्चिम की तरफ की हवा चल रही तो वापस इस तरफ जा आ रही, और जा के साथ साथ ना पानी भी चला आया। देखो वहाँ से दरवाजे के नीचे से बारिश का पानी दरवाजे के नीचे से अंदर आ रहा, तो प्रीति ने पोछा उठा लिया और बाल्टी में पानी इकट्ठा कर ली, नहीं तो पानी ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ अनाज के नीचे कुछ रखा नहीं है, तो इधर अंदर करूँ क्या? यह तो पानी गहरा है इधर, इस तरह का पानी भर लो नहीं तो अनाज सारा भीग जाएगा। हमारे सर जी का अनाज भी तो रखा है इस तरफ, पानी अगर ज़्यादा आ गया तो अनाज भीग जाएगा। हालांकि इस तरफ ऊंचाई है और इस तरफ गहराई है, पानी केवल गहराई में आ रहा है इधर, तो प्रीति इधर से पानी इकट्ठा कर लेगी। सर बारिश का पानी इकट्ठा किया जा रहा है, बारिश का नज़ारा दूर खड़े हो रहे तो यहाँ तक भी बारिश का। पानी अंदर हो रहा है लेकिन जहाँ भी तो बहुत तेज है, उधर गैलरी की तरफ देखा मैंने, पीछे तक पानी आ रहा है इस दरवाजे तक, यहाँ तक इतनी तेज हवा है पश्चिम की। बिना मानसून की बरसात है, बारिश आ जाए। मुझे तो अनाज की चिंता होगी, इस तरफ अनाज रखा, पानी अगर ज़्यादा होगा तो अनाज की तरफ चला जाएगा। अच्छा इस किनारे किनारे ये ढाल बना हुआ है इधर पानी का, तो उस तरफ अलग ही ऊंचा है और अनाज बोरा यहाँ से कुछ भी गिल्ला नहीं हुआ, एक बूंद पानी नहीं गया। और इस तरफ पानी बहुत है, देखो आधी बाल्टी पानी भर गया पोछा सही इकट्ठा करने में ही। हाँ वाइपर से भी नहीं किया जा सकता, चलो हवा बंद हो जाए जहाँ के साथ, बारिश तो चाहे जितनी आ जाए, हवा की वजह से ही पानी इस तरफ आ रहा है वापस। अब कहीं जाके बारिश का रुख थोड़ा सा बदला, हवा का रुख थोड़ा सा बदला, बारिश तो चल रही जो कि क्यों, बारिश तो जमा जमा है अभी भी, हवा कुछ कम हुई थोड़ी सी और उसकी दिशा बदल गई इस तरफ हुई। देखो पत्ते जो है ना पेड़ के, तो बारिश भी दिखाई दे रही होगी इस तरफ गिर रही है, नहीं तो पहले इस तरफ को गिरे थे हमारी तरफ को, और यहाँ नीचे से पानी होकर सारा अंदर आ रहा था इस तरफ। फिलहाल कुछ राहत है, बारिश का पानी अंदर नहीं आ रहा। और जूते मुझे फिर से भीग गए, पहले पेपर के दिन भी भीग गए थे जूते, वो भीग गए थे, सैंडल बच गए थे, सैंडल पहन के गया पहले पेपर में, लेकिन आज सैंडल भी बाहर रखे, सैंडल भी भीग गए। पेपर तो खैर परसों है, और क्योंकि गर्मी का मौसम है, अगर मौसम खुल जाएगा ना तो गर्मी फिर हो जाएगी, और एक दिन में सूख जाएंगे जूते सैंडल तो। लेकिन वैसे मौसम बढ़िया कर दिया भगवान ने, और गर्मी से थोड़ी राहत है। पिछले साल जब हम लोग रुके थे एग्ज़ाम में, यहाँ बारिश नहीं हुई थी, गर्मी झेलनी पड़ी थी बहुत, लेकिन इस बार तो दूसरी बारिश है ये, और लग रहा है पेपर बढ़िया मौसम में ही हो जाएंगे। शिमला मसूरी बता रही, शिमला जैसे ही मौसम होगा, कहीं बाहर घूमने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आज मैंने सोचा था कि शाम के टाइम बच्चों को कहीं घुमाने ले जाऊंगा, लेकिन शाम के टाइम मौसम देखो कैसा हो गया बारिश का, मुझे लग रहा कि घूमने का कोई प्लान बन ही नहीं पाएगा इस बार तो। अभी बहुत टाइम है, अभी तो 1-2 बजे देखो शाम तक कैसा मौसम होगा। वैसे भी परसों का पेपर होगा, फिर एक छुट्टी है, फिर एक पेपर है, उसके बाद 4 छुट्टियाँ हैं, हो सका तो उन छुट्टियों में कहीं घूमने चलेंगे। गर्मा गर्म फुल्का रोटियाँ बन गई है, और सब्जी कैसी बनी है चलो दिखा दो आपको।
ऐसी बनी है सब्जी आलू टमाटर की, पानी कम है आलू आलू से ज़्यादा। खुली बनाई ना कुकर में तो पतली और खुली में पानी चल जाएगा, मट्ठा कोई बात नहीं पी लो, तिरचना करो बेटा आराम से, अरुषी आराम से पियो, और बच्चे खाना खा रहे हैं, चलो रोटियाँ ला रहा हूँ, सीधे से बैठो नंदिनी, आगे बढ़ो थाली की तरफ तो बैठो, देखो कैसे कर रही हूँ, अपने हाथ से खाओगे या मैं खिलाऊं भाई, हैं अपने हाथ से खाओगे, खाना खा लिया और अब कुछ खेलना शुरू कर दिया, और खेल देखो क्या शुरू करा इन्होंने, देखो अरुषी पीछे को खड़ी हुई है, अरुषी ने साड़ी पहननी कितनी बढ़िया, अपनी मम्मी के दुपट्टे की, और अब जन नंदिनी को फिर आ रही देखो और उसने देखो कितनी बढ़िया पहन रखी है साड़ी, पल्ला भी ऊपर कर रखा कंधे तक, अब नंदिनी को पहना रही है यहाँ से, देखियो इधर को नंदू इतनी बढ़िया साड़ी पहनी बहुत है ही साड़ी पहना दी से तो देखो भाई बहुत भारी साड़ी पहनी इन्होंने तो, और उसी की बढ़िया लग रही मुझे तो, इधर आओ उतर के देखो, और उसी ने जो पहन रखी यह बढ़िया लगी मुझे तो, है आपकी भी बढ़िया है, आपकी भी बढ़िया है, नहीं अब बड़ी नहीं है, जो उनसी आपसी ने पहन रखी थी वो वाली साड़ी पहना दी अब नंदनी को, तो कह रही देखो बड़ी तो नहीं है, और पल्ला देखो कैसे कर रखा, वाह भाई वाह कौन क्या किस है, ब्लू वाला कलर पसंद लगे मुझे, ब्लू वाला कलर पसंद लगे तो ब्लू और ग्रीन वाला भी लगे, ग्रीन कलर भी पसंद लगे, ग्रीन कलर भी पसंद लगे, चप्पल में हाँ भाई बहुत सारे कलर हैं, रेड भी है येलो भी है ग्रीन भी है, रख दो वहीं रखो रखो वहीं, हाँ कलर याद हो रहे हैं इसे, बहुत सारे कलर है इसकी चप्पल में पैक का मार लिया देखो कैसे शुरुआत करें भाई, ऐसे ऐसे बस इनसे ही पल्ला लेना, ए कैसे भाई देखो पीछे को ये थोड़ी सी देखो कैसी लगी, देखो भाई ये चुन्नी ना चुब है, अच्छा तो क्या कह बस और थोड़ी सी साड़ी चुभ रही बस, और तो कोई दिक्कत नहीं है अरे ऐसी बैठ के जाने यार शादी में आई मेहमान आ रहे जाने, ये जो खड़े और तो कोई दिक्कत नहीं बस थोड़ी सी साड़ी चुभ रही तो फ्रेंड्स फाइनली कई दिन बाद हमें थोड़ा सा मौका मिला है बाहर घूमने जाने का, प्रीति रेडी है मैं और दोनों बच्चे, क्योंकि 6 बजे ना शाम को हमें दूध लेने जाना पड़ता है, तो 6 बजे दूध लेने जाना पड़ता है, उससे पहले जाएं तो 6 बजे नहीं लौट पाएंगे, और 6 बजे दूध लेने जाएं तो थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो दूध लेके आ गए हम लोग और अब चले हैं थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि कई दिन से शौक था, कह रहे थे पार्क में घूमने चलेंगे, अच्छा तो प्रीति बहराइच में एक बार पहले भी घूमने आई थी, लेकिन मेरी मोटरसाइकिल पर बैठने का मौका आज पहली बार मिला, इतने दिनों बाद 5-6 दिन आए हुए इधर भी हो गए, और एक बार पहले भी रह गए थे 5-6 दिन तक, तो बाइक जब से खरीदी मैंने प्रीति बैठी नहीं इस पर, आज पहली बार बैठेगी, बच्चे तो बैठते रहे, चलो भाई बैठो बच्चों, बच्चों की फरमाइश थी पार्क में घूमने की, और पार्क में ले कर भी आ गया मैं, लेकिन पार्क में ना देखो बीच में ग्राउंड में तो पानी भरा हुआ है, बारिश जो हुई थी थोड़ा सा, इधर जो इंटरलॉकिंग वाली ईंटें हैं ये सीमेंटेड ईंटें, इन्हीं के रास्ते पार्क में थोड़ा सा घुमा दूँ इधर बच्चों को, पेड़ पौधे फूल पत्तियाँ बहुत हैं, और झूले वूले से हैं, बच्चे झूलते भी हैं पार्क में, झूलने का शौक है, इधर से चलो भाई यहाँ से चलो, कैसे चल रहे हाथ पकड़ के एक दूसरे का पूरा रास्ता घेर के अच्छा कोई आवागा सामने से वही छोटा का रास्ता तुमने छोड़ियो, देखियो बरगद का पेड़ कितना ऊंचा है, अभी वटवृक्ष था एक सप्ताह पहले 18-19 तारीख का वटवृक्ष की पूजा हुई थी, देखो सूत के धागे बांध रखे कितने सारे बरगद के पेड़ पे, वट सावित्री इसलिए आए हैं ये पार्क में, देखो और उसी ने तो एक्सरसाइज शुरू कर दी पार्क में, नंदनी दूसरी वाली मशीनरी पे गई, ये नहीं चलने का बट टाप है ये डिफिकल्ट है थोड़ा सा,
क्योंकि इसमें पैर आगे पीछे हो गए, गिरने का डर है। रुक रुक रुक, जैसे वहाँ से आता बेटा, इसे भी खड़ी कर अपने आप से, आरुषि अभी कर दो पीछे, आरुषि को पकड़ लिया भाई ऐसे। देखो इस वाली मशीन पर आपकी मम्मी करेगी भाई एक्सरसाइज। हाँ जिसे प्रैक्टिस हो तो इससे भी तेज चला दे, धीरे धीरे थोड़ा और ऊपर से पकड़ो, जहाँ ग्रिप है इसकी, ये पीछे को नहीं आगे को चलाओ पैर, ए नो चलाओ दूसरा क्या, ए ऐसे ऐसे, ये बात देखे चला दिया यार उसी ने भी, बस इसके हाथ छोटे हैं, आराम से चला दिया। आराम से बेटा, इस पर बैठ के चलाते होंगे यार। अच्छा अच्छा ऐसे, मम्मी ये हाथ की एक्सरसाइज है, मम्मी हाँ अच्छा, मम्मी मेरे पे बहुत वजन है, आ जा बहुत वजन है। और उसे बता रही कैसे करना बेटा, इसके पैर छोटे हैं। कर दे थोड़ा सा इलाज तो दे अभी, है शाबाश, इसीलिए तो आवे ये पार्क में, झूलना अच्छा लगे इन्हें। अपने आप झूल लो, इधर को धकेल लो, हाथ से ऐसा आगे करो, होता नहीं ऐसे ऐसे, अलग अलग के हैं ना दोनों, वो ऊपर से नीचे करने के हैं या आगे से पीछे करने के हैं। नंदू कह रही देखो बुड्ढी बनाओगे हम, मशीन चला रही इसकी मम्मी और नंदू कह रही बुड्ढी बनाएंगे हम। तेज तेज करो, तेज तेज करो, और उसी बता देगी नंदिनी को, लेकिन नंदिनी के हाथ छोटे हैं ना, नंदिनी के हाथ नहीं जाने के वहाँ तक। ये देखो कैसे देखो, इधर वाले पार्क में ना जहाँ वो गोल घूमने वाला है उसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है, बारिश हुई थी आज, उस पर बैठ कर नहीं घूम सकते। स्लाइड वाला वो है एक, उसका भी पटरा स्लाइड करने वाला उतार रखा, इधर ये झूले हैं इनके झूलों के पटरे जो जंजीर होती है वो उतार रखी, बच्चे खेल रहे बस यहाँ पे। क्या है, जिराफ है, उधर शेर है, पार्क में बनाया हुआ है ऐसा ही एक लगा हुआ। बच्चे देखो पार्क में कोई रनिंग कर रहा तो उसे देख के बच्चे भी दौड़ लगा रहे, आज तो भाई बच्चे बस पार्क में घूमने का आनंद ले रहे, बच्चे तो दौड़ते दौड़ते आगे जा लिए। लेकिन पार्क में जो बीच में है ना, देखियो वहाँ पर एक शेर बना हुआ है ये, लेकिन पार्क के बीच में पानी भरा हुआ है तब बीच में नहीं जा सकते, जो रास्ते बने हुए हैं बस इन रास्तों पर ही घूम रहे। और पेड़ पौधे बढ़िया हैं, हरियाली बहुत अच्छी है, कुछ पुराने पेड़ भी हैं, एक पीपल का पेड़ है ये वाला, ये बड़े बड़े पेड़ हैं, एक बरगद का पेड़ है वहाँ, और एक बड़ा सा पिलखन का पेड़ है ये वाला, सरी है बहुत सारी, गुलाब के देखो, गर्मी का मौसम है हालाँकि आज तो बारिश होगी, लेकिन गुलाब के भी फूल खिले हुए हैं कुछ पौधों पर। इधर से चलिए बच्चों तालाब के पास चलेंगे, उधर देखो, चलो भाई देखो तालाब है, टाइल्स लगा के पक्का तालाब बनाया हुआ है। मैं तो कूदने का नहीं, पर आप ना कूद जाइए, मुझे आपका डर है, इसमें पैर रख दे तो फिसल जाओगे यहाँ से आगे, इससे आगे। बच्चे देखो कितने आगे से आगे दौड़े जा रहे, क्या कर रहे हैं आप, यो है इधर देखो, बताओ बुड्ढी बना रही, ठीक है बुड्ढी बनाते रहो, बुड्ढी बना रही बन गई भाई बुड्ढी, देखो अरे बहुत फर्क है भाई, टाइट सी होगी मसल्स बहुत।
बहुत फर्क है बुढ़ी में, एक्सरसाइज करे थे और उसी को देखो, और उसी बताओ मैं करनी और उसी तो कर ले करियो करियो शाबाश करो और उसी वेरी गुड। हाँ और नीचे तक लाओ इतना। तो फ्रेंड्स शाम का टाइम है, दिन छिप गया अब तो, और पार्क भी बंद होने वाला है, तो हम लोग निकल रहे हैं पार्क से। मेवाड़ प्रेम की आइसक्रीम खा रहे बच्चे, पार्क में घूम के आए थे क्योंकि चॉइस अलग अलग है। मैंने तो सौंप ली थी ना बादाम से लिया सौंप ली और नंदी की मिली कुल्फी। क्या नाम है इसका? कुल्फी वाली आइसक्रीम नाम है इसका। तो जिसे जो पसंद थी आइसक्रीम खा ली। पार्क में घूमने के बाद ना हम लोग पहले अपने दोस्त के शिव के पास गए थे, उनकी भी फैमिली आई हुई है, तो मैंने सोचा प्रीति को मिलवा दूँ उनसे भी। इस बहाने से तो मिल भी ले गए शिव है हमारे दोस्त एस के वर्मा, पहले भी वीडियो में आए कई बार, मिलवाएंगे फिर किसी दिन टूर पर चलेंगे हम कहीं घूमने, तब मिलवाऊँगा। पार्क से घूमने के बाद वहाँ गए, वहाँ से वापस लौटते समय थोड़ा सा आइसक्रीम खिलवा दो बच्चों को, इसके बाद जाएंगे रूम पे और तैरी वैरी बना के खा लेंगे। आज तो कुछ लेट भी हो गए, रात होगी, खाना बनाने का तो टाइम नहीं और भूख भी नहीं है उतनी।